اعوذ <applause> بالله

नाजिल फ़रमाए हैं तो आज हम चौथे पारे के मज़ामीन के ख़ुलासे का जायज़ा लेते हैं जैसा कि कल के प्रोग्राम में आपने सुना कि सुरय आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने बेशतर मुक़ाम पर गजवाए उहद के ऊपर तबसर फ़रमाया है और इसका ज़मान नज़ुल भी गए उहद के फ़ौरन बाद है लेकिन क्योंकि ये मदनी सूरत है और मदनी सूरत में बुनियादी तौर पर माशरती हकाम और एक पाकिज़ा माशरे की तश्कील बुनियादी मकसद है इसलिए मुख्तलि अहकाम जा बजा दिए गए हैं और गजबा अहद के तबसरे के हवाले से भी वो बातें जो उम्मत मुसलिमा के लिए मुस्तकबिल में एक ज़्याद राह बन सकती हैं उन अहकाम को जा बजा ज़्यादा नुमाया फरमाया गया है गुज्त सपारे का जो आखिरी हिस्सा था उसमें एक बात ये फरमाई गई थी के कुर अरतदाद के बयान में कि कोई शख्स अगर आ, कुफर करता है और इस्लाम कबूल करने के बाद और ईमान लाने के बाद फिर गुमराह हो जाता है और फिर कुफर करता है इनदीन काफ़र उबाद ईमान हिम फजदाद कुफरा कि जब वो अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाता है और फिर मौत के करीब आके बेशक वो तोबा भी कर ले मौत को देख कर तो फिर उसकी तोबा भी कबूल नहीं होती और इसी हालत में कोई शख्स अगर हालत कुफर में मर जाता है तो वो अगर सारी ज़मीन भर के सोने की भी दे दे मिल उल अर्दहाबन सोने की ज़मीन भर के वो फिदिये के तौर पर दे दे कि अजाब से उसकी जान छूट जाए तो फरमाया कि उसकी जान नहीं छूट सकती चाहे वो ज़मीन भर सोना भी दे दे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं देता तो चौथा पारा जब शुरू होता है तो ये फरमाया गया कि अगर कोई महबूब चीज़ इस दुनिया में ख़र्च कर दी जाए तो वो असल नेकी है और कोई शख्स अगर नेकी को पहुँचना चाहता है तो इस दुनिया में अपनी महबूब चीज़ें अल्लाह की राह में ख़र्च करें क्योंकि क्यामत के दिन अगर ज़मीन भर के सोना भी दे दिया जाए तो उस दिन फ़ायदा नहीं देगा लेकिन इस दुनिया में कोई एक महबूब चीज़ जो है वो जो इंसान को मजाजी मोहब्बतों में मुबतला करती है और इंसान उनकी कशिश की वजह से उनको अपना अजीज़ रखता है उनमें से कोई चीज़ अल्लाह के लिए ख़र्च कर देना ये नेकी है तो फरमाया लन तनाब्राह तातनफिको इमात मकबूल तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम वो चीज़ ख़र्च ना करो जो तुम्हें पसंद है वो या पसंदीदा तरीन चीज़ अगर दी जाएगी तो वो अल्लाह को पसंद है और अगर रवैया ये हो कि जो चीज़ न, न, नाकारा है और निकमी है वो अल्लाह के रास्ते में दे दी जाए और कार आमद चीज़ और महबूब चीज़ जो है वो ना दी जाए तो ये नकी का तस्वुर जो है वो गलत है कहते हैं कि हाबील और काबिल में जब झगड़ा हुआ था आदम के दो बेटों के दरमियान तो मुफसरीन ने लिखा है कि जब उनके फ़ैसले का नुकतः ये ठहरा कि दोनों कुर्बानी करें और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए उसकी बात मान ली जाए तो कुर्बानी करने का उस दौर में जो तरीका था कि ख़ास क़ुरबान गह बनी होती थी और उसके ऊपर जो चीज़ कुर्बान करना होती थी वो रख देते थे तो हाबील जानवरों का कारोबार करता था जबकि काबिल जो है वो गल्ले का कारोबार करता था तो काबिल ने अपने गले में से जो नाकारा गला था उसका एक बहुत बड़ा ढेर ला के कुरबान ग रख दिया जबकि उसके मुकाबले में हाबील सिर्फ दो जानवर लेके आया लेकिन वो जानवर वो थे जो उसके पूरे रेवड में सबसे ज़्यादा बेहतरीन थे अब उसने अपनी बेहतरीन दो जानवर जो है कुरबान ग ला के रखे और उसके मुकाबले में एक बहुत बड़ा ढेर गले का हाबील की तरफ से रखा गया लेकिन अल्लाह की तरफ से जो आग आई क्योंकि उस ज़माने में दस्तूर था कि वो आग आती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी वो आग उसको भस्म करके चली जाती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी आग वापस चली जाती लेकिन वो चीज़ अपनी जगह पे पड़ी रहती यूँ गल्ला अपनी जगह पे पड़ा रह गया और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई इसलिए कि लन तनाल राहत तातन हकबून जब तक अपनी महबूब चीज़ अल्लाह के सामने पेश नहीं करते उस वक़्त तक नेकी को नहीं पहुँच सकते इसी तरह सहबा कराम के दौर में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि नबी करीम अलैहि वम के सामने जब लोगों ने ये आयत सुनी कि अपनी महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये असल ने की है तो कहते हैं कि अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताल हो उनका बाग था जो मस्वी के करीबी था और उसमें शानदार दरख्त थे फलदार खजूरों के और उन्होंने वो बाग जो उनको बहुत महबूब भी था और बहुत कीमती भी था वहाँ बैठे बैठे उन्होंने ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह के रसूल अगर अल्लाह ताला हमें हमसे अपनी महबूब चीज़ को अपने रास्ते में ख़र्च करने का मुतालबा करता है और ये असल ने की है तो मैं अपना वो महबूब तरीन बाग जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ इसी तरह अबू दहदा रज़ी अल्लाह त उनके बारे में आता है कि उन्होंने जब यह आयत सुनी तो उनका एक बाग था बल्कि एक ही बाग था और उस बाग के अंदर उन्होंने घर भी बनाया हुआ था उस उनकी अहलिया और उनके बच्चे वहीं वहीं पर मुक़ीम थे लेकिन जब रसूलुल्लाह रसूल सल्लाम से ये बात सुनी कि नेकी असल तो ये है कि अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी जाए तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर वहीं पे ऐलान कर दिया कि मैं अपना वो बाग अपने घर समेत अल्लाह के रास्ते में देने का ऐलान करता हूँ और उसके बाद जब वो घर गए तो रिवायात में आता है कि घर जा के वो अपने बाग में दाखिल नहीं हुए बल्कि बाग के बाहर खड़े होकर उन्होंने अपनी अहलिया को उम्मे दहदा को आवाज़ दी कि उम्मे दहदा बाहर आ जाओ मैंने ये बाग अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया और अल्लाह ताला ने हमसे मांगा था हमने अल्ला, मैंने अल्लाह ताला के दरबार में ये पेश कर दिया तो कहने की बात यह है नाजरीन कराम हकीकी नेकी ये है कि इंसान अपनी महबूब तरीन चीज़ जो है वल्ला के नाम पर ख़र्च करे इससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ, सिर्फ सदका खैरत करना नहीं है बल्कि हर वो चीज़ मिसाल के तौर पर इंसान का वक्त कीमती है वो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाता है ये भी उसकी कुर्बानी है ये भी इन बहुत बड़ी निकी है किसी शख्स का जो है वो इलम कीमती है वो इम अल्लाह के रास्ते में कम देता है किसी शख्स के आ, का माल कीमती है वो माल अल्लाह के रास्ते में देता है अपनी औलाद को दीन के लिए वक्फ़ करता है इंतहाई कीमती तरीन चीज़ है इंसान की उसकी औलाद वो अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देता है अल्लाह के दीन के लिए तो ये सारी चीज़ें ही इसके अंदर शामिल हैं और असल नेकी का तस्वर यही है कि लन तनाल राहताफिको हबून और जब कोई शख्स इस तरह की चीज़ खर्च करता है तो अल्लाह ताली उसका कदरदान होता नादरी के नाम उसके बाद शुरह आलमरान में यहाँ चौथे पारे की इब्तदा में अहल किताब के दो शबहत का जवाब दिया गया है क्योंकि अहल किताब केमूमी जो मीरत थे और उनका जो अमूमी किरदार है उसका तस्करा इन दोनों सूरतों में शराह बकारा में और शरा में मौजूद है तो यहाँ उनके किरदार के साथ साथ उनके इस्तारात का भी जवाब दिया गया है और कुछ इस्तसारत किए भी गए यहाँ पर दो शबहत का जवाब दिया गया है और दो इसफसार उनसे किए गए हैं पहला शबात उनका यह था कि वो ये कहा करते थे कि ऊँट का गोश्त शरीत मूसवी में और शरीत ईसवी में हराम था और ये आपने यानी शरीत मुहम्मदी में उसको हलाल क्यों कर लिया और अगर शरीत मुहम्मदी शरीत मूसवी और शरीत ईसवी का तसलसल है तो फिर ये ऊँट हलाल क्यों हो गया ये तो हराम था तो कुरान पाक ने उसका जवाब दिया है कि ऊँट हराम नहीं था बल्कि तोरात के नज़ूल से पहले हज़रत याकूब आलाम ने ख़ुद से कुछ चीज़ें अपने ऊपर हराम कर ली हुई थी तो अगर कोई शख्स वो हराम कर लेने का ये मतलब नहीं है कि वो उनको खाना हराम समझते थे बल्कि मिजाज की बात है कोई शख्स अपने ऊपर पाबंदी लगा लेता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ नहीं खानी इसी तरह हज़रत याकूब आसलाम उन्होंने ऊंट का गोश्त खाना नापसंद किया था इसका मतलब ये नहीं था कि ऊँट का गोश्त हराम बल्कि कुरान ने चैलेंज किया है कि अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो फिर लाओ तौरात और उसको पढ़ के दिखा दो फरमाया कुल्लुतम का ना हल बनी इसराइल बनी इसराइल के लिए सारे खाने हलाल थे इल्ला मर्रम इसराइल अला अलफ ही मेन क़बल मेन कबल ज़लत तौरात तौरात नाजिल होने से भी बहुत पहले हज़रत याकूब आसाम ने अपने मिजाज के मुताबिक कुछ चीज़ें अपने ऊपर मना कर ली हुई थी इसका मतलब ये नहीं है कि वह हराम है और अगर तुम्हारी बात फिर भी तुम्हारा दावा अपनी जगह पर कायम है कि ये ऊँट का गोश्त हराम था तो फरमाया कुलफ़ातू बराती फतलूह इनकुन तुम सदिन तो फिर तौरात ले आओ और मेरे सामने उसको तिलावत करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो उसके बाद दूसरा उनका इस्तफ़ार और दूसरा उनका जो शुबा था वो ये था कि वो कहते थे कि किबला सबसे पहले बैतुलमक़दस था क़िबला अव्वल बैतलमस ही है लिहाजा जब शरीयत ईसवी और मूसवी में बला बैतुलमक़दस था तो इस्लाम का काबला जो है वो बैतूल या का कैसे हो गया तो इस पर भी उनका इतराज था तो इस शुबे का जवाब कुरान पाक ने इस तरह से दिया है कि इन्ना अवला बैठी बिबक्मीन के असल जो सबसे पहला घर था गोया फ़जीलत के एतबार से भी और तमीर की तारीख़ के अतबार से भी जो सबसे पहला घर है वो वह बैतुलमक़दस नहीं है बल्कि सबसे पहला घर कहाब् है और अल्लाह ताला ने इसकी भी वजाहत फरमाई और साथ ही हज का हुक्म भी हो गया वलिल्लाहि वलिल आल्ला बैत मन इस्तता इस सबीला जिस शख़्स को भी अल्लाह के घर पहुँचने की इस्तात हासिल हो जिसमानी भी और माली भी उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो वहाँ पर ज़रूर पहुँचे उसके बाद दो इस्तफसारात हैं नाज़रीन क्राम जो दो सवाल किए हैं क़ुरान पाक ने अहले किताब से कि कुल याहल किताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल किताब से ये पूछिए लिमा तक फ़ुरु नबी आयातल कि तुम अपने इनकार की वजह बताओ कि तुम अल्लाह के कुरान का अल्लाह की आयत का इनकार क्यों करते हो पहली तो ये वजह बताओ इसकी कोई माकूल वजह नहीं है ज़ाहिर इंसान अगर कोई भी अकीदा या कोई भी बात कबूल करता है कोई भी नज़रिया कबूल करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है अल्लाह के दीन को छोड़ने की वजह या अल्लाह के दीन के इनकार की कोई वजह इसके अलावा नहीं होती कि कोई शख्स जो अपनी ज़ाती ख़्वाहिश या अपने जाती इस्तिकबार की वजह से अपने तकबर की वजह से उसको छोड़ रहा होता है और कोई वजह नहीं होती इसलिए कि दुनिया जहान की लॉजिक दुनिया जहान की मंत और दुनिया जहान का अगर कोई माक़ूल तरीन बात हो सकती है तो उस माकुलियत की इंतहा अल्लाह का कुरान है और कोई शख्स अगर इस तरफ नहीं आता तो इसका मतलब है वो तो बुनियादी इंसानी तकाज़े भी पूरे नहीं करता जब वो अल्लाह के कुरान का इनकार कर रहा होता है तो इसलिए कुरान इसतार करता है लेमा तकफ़रू बिल्लाह और दूसरा इस्तार ये है कि लेमा तसदानील्ह कि फिर तुम अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते क्यों हो एक तो ख़ुद इनकार किया और दूसरा लोगों को अल्लाह के दीन के रास्ते से रोकते हो ये दो इसारत हैं कहने का मतलब असल में उनका किरदार वाज़ करना है कि तुमने अगर इनकार किया तो वो भी बेजा है और अगर तुमने दूसरों को रोका तो वो भी बेजा है उसके बाद कुफ़ार से दोस्ती अहल किताब से दोस्ती की फिर ये मौजू जा बजा सुर इमरान के अंदर मौजूद है और यहाँ पर फिर उसका उसकी तरफ इशारा करके ये बताया गया है कि अगर कुफ़ार से दोस्ती की जाए तो चूँकि आलम कुफ़र हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में मुबला रहता है और सबसे बड़ा उनका मकसद ये होता है कि मुसलमान खुद इस्लाम से निकल कर कुफ़र में आ जाए लिहाज़ा फरमाया कि अगर तुम उनके साथ चलोगे तो इस बात का ख़दशा मौजूद है और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि तुम लोग अपने अपने ईमान को छोड़ बैठो उनकी ख्वाहिश तो यही है उनकी साजिश तो यही है लिहाजा फरमाया कि इस खदशे से बचने के लिए उनके करीब नहीं जाना या यूद्दीन अमन तय फ्रीक़म्दीबुल किताब अगर तुम किसी भी गिरोह के पीछे चलोगे अहल किताब के किसी भी ग्रोह की बात मानोगे यर उदुकम ईमान कम काफ्रीन तो ये तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हारा तुम्हें फिर से काफ़िर कर देंगे ये आयत नंबर सौ है नाजरन कराम सरा इमरान की और इसके बाद आयत नंबर एक सौ पचास के अंदर भी अल्लाह ताला ने यही बात और अल्फाज के अंदर बयान फरमाई है कि अगर तुम उनकी तरफ़ जाओगे कुफ़ार से दोस्ती रखोगे तो उससे ख़तरा है कि तुम कुफर के अंदर चले जाओ और तुम्हारा ईमान ज़ाया हो जाए इसी तरह नाजरिन क्राम सूरतम के अंदर भी अल्लाह ताली ने जहाँ पर यह फरमाया कि अहल किताब की ख़वातन से शादी करना जायज़ है वहाँ भी ये फरमाया कि ये जो शादी है इस बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए कि इंसान का ईमान के मुकाबले में इंसान कुफर में मुबला हो जाए और कुफर का बायस बन जाए इससे बचना लाजमी है इंसान के अकीदे का तहफ़ ईमान का तहफ़ कायनात के सबसे बड़ी तरजीह है और इंसान को चाहिए कि अपनी इस तरजीह के साथ जो है बाकी कवानीन पर अमल करे कुफ़ार से दोस्ती अगर कुफर में जाने का बायस बन रही है तो फिर कुफ़ार से कत् ताल्लुक़ कर लेना यही इस्लाम है और अगर माशरती तौर पर कोई शख्स किसी काफिर के साथ ताल्लुक रखता है जो उसके ईमान के अंदर किसी किस्म की रखना अंदाजी नहीं करता और उसके ईमान के अंदर बिगाड़ का सबब नहीं बनता तो ऐसी आ, ऐसे माशरती ताल्लुक़ रखना किसी मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर वो जायज़ है और ऐसे ल, लोगों से माशरती ताल्लुक़ रखना जो गैरहरबी हों और मुसलमानों के खिलाफ काम ना कर रहे हों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दौड़ धूप ना कर रहे हों उनके साथरती ताल्लुक रखना दोस्ती करना तो उनसे भी जायज़ नहीं है कल भी दोस्ती तो उनसे भी जायज़ नहीं लेकिन उनके साथरती ताल्लुक रखना जायज़ है इसका इस मज़मून का जो पूरा उसकी तफसील है वो सूर्य मुमतःना के अंदर अल्लाह करीम ने इशाद फ़रमाया कि जो हरबी हैं उनसे रोका गया है गैरहरबी लोगों से नहीं रोका गया उसके बाद अल्लाह करीम ने तकबा का ताकीदी हुक्म फरमाया कि या यू लदीनत का तुका ही वलामोतुल मुस्लिम चूँकि मुसलमानों के लिए अहकाम और उस मदीने की बस्ती को आला अखलाकी कदरों के ऊपर कायम करना और आला अखलाकी अकदार की तरफ ले जाना मकसूद है और एक इंतहाई आला और पाकिज़ा मुआशरा तश्कील देना मकसूद है लिहाजा जा बजा मुसलमानों को अहकाम दिए जा रहे हैं और ये हुक्म बड़ी ताक़द के साथ दिया गया, गया दिया गया है कि या यूल लजीना मन हक का अल्लाह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है अब अल्लाह से डरने का हक़ क्या है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि हक्का तकते ही होता वाला -वा यौसा व युज़ कर वाला युनसा व युश कर वाला वा वा युकफर कि हक का तुकाते ही का मतलब यह है अल्लाह से उस तरह डरना जिस तरह उससे डरने का हक़ है इसका मतलब यह है कि अल्लाह की इतात की जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए फिर अल्लाह को याद किया जाए उसका जिक्र किया जाए उसको कभी भुलाया ना जाए फिर ये कि अल्लाह का शुक्र किया जाए उसकी कभी ना शुक्री ना की जाए उसकी कुफ़रान नेमत ना किया जाए अगर कोई शख्स इस तरह का किरदार अपनाता है तो ये कहा जा सकता है कि वाक़ता उसने अल्लाह से डरने का हक अदा कर दिया कहते हैं कि जब सहबा कराम ने यह आयत करीमा सुनी कि इतक़ुल्ला हक का तुकाती ही अल्लाह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक़ है तो इस पर बात साहबा कराम को फ़िक्र लाक हुई कि अल्लाह से डरने का हक़ क्यों कर पूरा हो सकता है ज़ाहिर है हम एक आजिज़ इंसान कमज़ोर इंसान अल्लाह से डरने का हक़ कैसे पूरा कर सकता है और लोगों को इस इसमें तश्वीश हुई और सहाबा रोने लगे कि हम ये किस तरह से पूरा कर सकते हैं ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई तो फिर अल्लाह ताला ने इसमें तरमीम फरमाई फतक मस्ता तुम फरमायाबन में गालबन के अल्लाह से डरो जिस तरह तुम्हार अल्लाह से डरने की जितनी तुम्हारे अंदर इस्तात है गोया हक पूरा करना है उस हद तक जिस हद तक अल्लाह ताला ने तस्तात रखी जितनी काबिलियतें जितनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने ता फरमाई हैं सारी की सारी अल्लाह से डरने पर और परहेजगारी इख्तियार करने पर लग जाएँ यह है असल में अल्लाह से डरने का वो तकमीली तवुर जिस पर इंसान अमल पैरा हो सकता है उसके बाद मुसलमानों को इतहाद और इतफाक़ की दावत दी गई है और इफ्तराक से बचने का हुक्म दिया गया फ़िमायबा तस्मू बेहबदिल्ला जमी वाल तफर रकू तुम सब अल्लाह की रस्सी को मिलकर पकड़ लो और कभी आपस में जुदा जुदा ना हो उसके बाद एक मुसलमानों को इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि मुसलमान आप मुसलमान जब तक इस्लाम नहीं आया था तो अहल अरब जो हैं वो आपस में यूँ दस्त गिरे थे कि वो गोया आग के गढ़े के किनारे पहुँच चुके थे उनके अंदर माशरती बुराइयाँ उनके अंदर जो माशरती समाजी मजहबी सियासी जो सूरत हाल थी वो सारी की सारी इस कदर थी कि इंसानियत गोया आग के गढ़े के किनारे पहुँच चुकी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशीफ लाए तो क्या हुआ कि वही लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो सारे एक दूसरे के दोस्त बन गए फरमाया कि इद, आ, उस नेमत को याद करो वह इज गुम्दान बैना खलूबिकुम कि तुम दुश्मन थे अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल आपस में मिला दिए फसबाह तुम बिन अमत ही अखवाना तुम आपस में भाई भाई, भाई बन गए इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात सक़द है वो वजह इतिहाद और वजह इतफाक़ है दुनिया कायनात में कहीं अगर इख्तलाफ़ हो उस इख्लाफ को अगर ख़त्म करना कोई शख्स चाहे या कोई ग्रोह चाहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाईवी तालीमा की तरफ रुजू करना होगा और अगर अल्लाह के रसूल सल्ल की लाई हुई तालीमत की तरफ रज़ू कर लिया जाए तो ये सारा तफरका सारी अफरा तफरी आपस का इफ्तराक, आपस की दुश्मनियाँ बदमनी हती कि दहशत गर्दी और हर तरह के जो दुनिया को थ्रेट्स हैं उन से महफूज हुआ जा सकता है अगर नबी करीम सलील वम की तलीमत की तरफ़ आया जाए इसका सबूत एक तो मिसाख मदीन है कि नबी करीम सलील वसम के साथ जितने लोग जुड़े वो हालत अमन में आ गए यहूद भी उसमें थे ईसाई भी उसमें थे मुशर्क भी थे सारे कबाइल थे मुसलमान भी थे सब के लिए जो है वो एक अमन का निशान था इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से लोगों को दावत दी और फरमाया असलम तस्लम कि सारी दुनिया अगर इस्लाम कबूल कर ले तो वो अमन में आ जाएगी गोया अमन का नुस्खा ये है इतिहाद और इतफाक़ का नुस्ख़ा ये है कि सारी दुनिया हर नज़रिए को हर अकीदे को छोड़कर नबी पाक सल्ला वसम के अकीदे को कबूल कर ले नज़रिया इस्लाम को तस्लीम कर ले और नबी पाकली व्म की तालीमात के साथ जुड़ जाए आपकी अकदस आपकी लाईवी तालीमात जो हैं वो वजह इतिहाद इतफाक़ हैं और, है। और मुसलमानों के अंदर भी मुस्लिमीन भी अगर इतिहाद और इतफाक़ का कोई इम्कान है और सारी फ़िरका वारीत को ख़त्म करने का अगर कोई आ, एक रोशन उम्मीद की कोई रोशन किरण अगर कोई नज़र आती है को रोशन इमकान नज़र आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी करीम अलैहि वसल्लम की जात है हर कोई शख्स अपनी अपनी तकलीद शख्स छोड़ कर अपने अपने मामला छोड़कर सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मुतफ़ हो जाए इससे बड़ा कोई इतिहाद और इतफ़ाक़ का नुस्खा नहीं हो सकता उसके बाद उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारियाँ जो वाजे की जा रही हैं और चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि पूरी क्यादत व सियादत जो है वो शिफ्ट हो गई है बनी इसराइल से बनी इस्माइल की तरफ अब उम्म मुसलम पूरी दुनिया को लीड करने के लिए तैयार की जा रही है तो यहाँ फरमाया कु तुम खैर उम्मिन उखरजतनाशमून अबिलूफ वतन कि तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है कोई शक नहीं इसमें कि बनी इसराइल के ऊपर बड़े इनामत हुए बड़ी फजीलतें अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई लेकिन अल्लाह फरमा रहे कुन तुम खैर उम्मिन बेहतरीन उम्मत अगर कोई पैदा की गई है वो उम्मत मुहम्मदी है। फरमाया लेकिन कि किस वजह से बेहतरीन है उखरिजत ये इसलिए बेहतरीन है कि इनको बनाया ही लोगों के लिए गया है ये अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए अपनी जतीि प्रोपिगेशन के लिए तैयार नहीं हुई ये उम्मत बनाई ही इसलिए गई है उखरिजत लन्नास ताकि ये सारी इंसानियत को फायदा पहुँचाए नेकी का हुक्म दे बुराई से रोके और अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखे ये वो बुनियादी खसूसियात हैं जो उम्मत मुसलि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकती है और उसके बाद मुसलमानों के हवाले से ये गुफ्तू करके और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ बता के साथ ही अहल किताब की खराबियों का जिक्र भी है और अहल किताब अगर दुनिया में कहीं करार हासिल किए हुए हैं तो उसकी वजह भी बयान की गई है फरमायाहल किताब को जो उन्होंने किरदार पेश किया उसकी वजह से अल्लाह ताली ने सजा तो दे दी दो रबाल आइन आई नमासो के फू ये दुनिया जहान में कहीं भी जाएंगे तो इनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत जो है वो तारी कर दी गई है नाजिल कर दी गई है ये जहाँ भी जाएंगे ये जलील होकर रहेंगे लेकिन एक इसना फरमाया इल्ला मिन, वा मिन नास लेकिन एक जो है वो फ़र्क़ है कि कहीं इसको अल्लाह की तरफ इनको कहीं अल्लाह की तरफ से कोई सहारा मिल जाता है इनको करार पकड़ने के लिए और कहीं को नहीं, कोई ना कोई दुनिया भी सहारा मिल जाता है कि दुनिया में ये समझा समझे जाते हैं कि ये तो बड़े बाइज़त हैं हालांकि इनके इनके किरदार की वजह से इनको दुनिया दुनिया और आखरत में इनके ऊपर लानत कर दी गई है और ये दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील होते फिरेंगे अलबत्त तो फैली बन के रह सकते हैं अला बिहल मिनल्ला वहब्ल मिनन्नास तोफैली बन के रह सकते हैं कभी किसी कौम की मातहती कबूल करेंगे कभी किसी कौम के तहत होके रहेंगे इस तरह से दुनिया में करार पकड़ सकते हैं और दुनिया में ये तो चंद रोज़ा जो क़याम है उसके अंदर इनका जो ज़ाहरी करार नज़र आ रहा है इस चीज़ को मुस्तिल नहीं समझना चाहिए यह अल्लाह ताला का, का कानून महाल है आगे उसका भी तस्करा है कि ये अल्लाह ताली का जो क़ानून माहाल है उसकी क्या वजह है अल्लाह ताली मोहलत देता है और मोहलत को यूँ नहीं समझना चाहिए कि ये किसी को फजीलत दी गई है महलत फ़जीलत कभी नहीं होती मोलत मोलत होती है अल्लाह ताला ने क़ानून इमहाल की ये वजह बयान फरमाई है आयत नंबर एक सौ अठत्तर के अंदर कि वाला ने कहाली लहुम खैरल फसिम अगर किसी को मोलत दी गई है तो ये ना समझा जाए कि ये मोलत जो है उनके लिए अच्छी है तो माँ इनमा नुमली लहुम लियदाद इसमा हम तो इनको इसलिए मोहलत देते हैं कि ये गुनाहों में और जुल्म में और ज़्यादा बढ़ जाएं वलह अज़ाब मुहिम और हकीक़त में उनके लिए इंतहाई रस्वाकून अज़ाब है तो नाजरिन करम ये असल में क़ानूनी महाल है कि अल्लाह ताली मोहलत देता है और इसी मोहलत की वजह से ये लोग दुनिया में कहीं अपनी तमाम तर खराबियों और जिल्लतों के बावजूद जो अल्लाह ताली की तरफ से इनके ऊपर ज़िल्ल मस्कनत डाल दी गई है और अल्लाह का गुस्सा इनके ऊपर हो गया है इसके बावजूद अगर कहीं करार पकड़े और दुनिया में ये कायम व दायम शादाबाद नज़र आते हैं तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला का कानून इमहाल इनके ऊपर लागू और फिर अहले किताब की खराबियों के तजकर के बाद साथ ही फरमाया कि उनको राजदार ना बनाओ उनको दोस्त ना बनाओ यो ना ला ला या ला यालूनकुम तखवाना कि ये तुम्हें कोई तुम्हें तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोई कसर नहीं उठा रखेंगे लिहाजा इनको कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाना वजह उसकी यह है कल तौर पर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहा दर्जे की कदूरत रखते हैं उनकी कदूरत की बाज़ जो है निशानियाँ आपको मिलती रहती हैं बाज दफ़ा इनके मुँह से कोई ना कोई बात थिरक जाती है और फरमाया कद बदतुलबदाउमिन कि बाज़ औकात इनके मुँह से कोई ना, कोई ना कोई बात ऐसी निकल आती है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे खिलाफ़ कितनी दुश्मनी रखते हैं और फरमाया वमा तुफ़ी सदूर अकबर जो इनके दिलों में असल रंज है और जो असल दुश्मनी है वो बहुत बड़ा है अल्लाह ताला उससे महफूज फरमाए और फिर दोस्ती और दुश्मनी इनसे दोस्ती नहीं करनी तो फिर दोस्त मुसलमानों का कौन हो सकता है बैन अवी तौर पर इंसान या बैनवाी तौर पर अहले इस्लाम कट के तो नहीं रह सकते और जो उम्मत मुसलम है या रियासत इस्लामी है वो कट के तो नहीं रह सकती और लोगों के साथ तल्लत भी रखने पड़ेंगे तो जब अहल किताब से दोस्ती नहीं हो सकती और ये बता दिया गया कि वह दुश्मन है और उनकी दुश्मनियाँ भी उनके दिल में भी हैं जाहिर भी हैं छुपी हुई भी हैं तो फिर क्या करना है तो फरमाया दोस्ती और दुश्मनी का एक मैार है कि तुम्हारा दोस्त कौन हो सकता है उसके लिए एक कानून दिया फरमाया तम ससकु हसनतू में बड़ी सादा सी बात और एक आम समझ में आ जाने वाली बात फरमाया कि तुम्हें अगर कोई अच्छाई पहुँचे उम्मत मुसलिमा को अगर कोई अच्छी ख़बर मिले तसम जिनको तकलीफ़ होती है वो मुसलमानों के दुश्मन हैं चाहे वो मुसल नाम के मुसलमान ही हों और चाहे वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हों अहल इस्लाम को अगर कोई अच्छी बात पहुँचे तो जिनको तकलीफ़ होती है वो दुश्मन है और फरमाएन तो सिब कुम सैया तो यहा बहा और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे और जिन लोगों को तुम्हारी मुसीबत पर खुशी होती है समझ लेना कि वो दुश्मन है दोस्त वो है जो तुम्हारी तकलीफ़ के साथ तकलीफ महसूस करता है तुम्हारी खुशी के साथ खुशी महसूस करता है गोया आलमी सतह पर बैन अवी तौर पर मुसलमान उन रियासतों के साथ तल्लत तालुका। रख सकते हैं जिनकी जिन, जिन रियासतों को अहले इस्लाम के साथ और मुसलमानों की रियासत के साथ इस तरह के तल्ल उसवार करने की ख्वाहिश हो इसी मैार पर मुसलमान अगर बैन अवी तौर पर तल्लु क़ायम करेंगे तो वो मुसलमानों के लिए बेहतर होंगे और फिर आगे फरमाया कि अगर ऐसी कोई कौम नहीं है और मुसलमानों के दुश्मन ही चार चुफेरे मौजूद हों और सारी दुनिया मुसलमानों के साथ दुश्मनी ही करती फिरे तो भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है फरमाया इन तस्बिरु व तकू अगर तुम सब्र और तकवा का रास्ता इख्तियार करोगे अल्लाह से डरोगे और अल्लाह के लिए तुम मुख्तलिफ मामलों पर डटे रहोगे और अपने मौक़ पर डटो डटे रहोगे ला यदरुकम कैद शैया तो पूरी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने के पे भी हो तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती इसलिए किसी आलमी तहाद किसी आलमी ऐसी साजिश से खौफजदा नहीं होना चाहिए जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार की गई हो बल्कि इस कुरानी मैार को सामने रखते हुए खारजा पॉलिसी और ख़ारजा हमत अमली तरतीब देनी चाहिए कि जिसमें दोस्ती और दुश्मनी का मैार वजह हो और वो कुरानी तलीमत के मुताबिक हो उसके बाद नारीन कराम उहद पर तबसरा इस सूरत में जा बजा जारी जा है यहाँ आयत नंबर इक्कीस के अंदर भी गजवाए उहद की बात की और फिर उसके बाद आयत नंबर एक सौ बावन में भी ये बताया कि अल्लाह ताली का वादा तो पूरा हो गया था और अल्लाह ताली ने फते अता फरमा दी थी और तुम उन लोगों को कत्ल भी कर रहे थे और तुम्हें अल्लाह ताला ने माल गनीमत भी अता फरमा दिया था और सारा गोया फतः का वादा अल्लाह ताला का पूरा हो चुका था लेकिन सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी गलती की वजह से वो सारी फ़तह जो है वो शिकस्त में बदल गई फरमाया फिर फरमाया वलतवक्कलीमोमिन मोमिनों को चाहिए कि उनका भरोसा हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला के ऊपर होना चाहिए उसके बाद सूद की हरमत का जो है वो फिर से ज़िक्र किया गया है सूरह बकरा के अंदर भी सूद की हरमत का जिक्र था और यहाँ पे लेकिन दोनों जगह पे थोड़ा सा फ़र्क है एक तो ये बात समझ लीजिए कि चूँकि सब्र तकवा जो है वो उसका हुक्म दिया जा रहा है और इनफरादी और मामलात के अंदर और एक पाकिज़ा माशरे की तश्कील के अंदर सब्र तकवा को बड़ी बुनियादी अहमियत हासिल है लेकिन सब्र तकवा की अवलिन बुनियाद जो है कस्ब -हलाल है और कस्ब हलाल को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी चीज़ जो है सूदी मीशत है सूदी मीशत कस्बे हलाल को खा जाती है लिहाजा सब्र तकवा की हुकम के बाद यहाँ पर सूद की हरमत का जिक्र है एक तो सरा बकरा के अंदर सूद की हरमत का बयान था और वहाँ पर फमाए अहल्लाबहरम रबा कि अल्लाह ताली ने तजारत को हलाल किया है सूद को हराम किया है कोई शुबे में ना पड़े और किसी शख्स को इस बात का शुह नहीं होना चाहिए हर किस्म की वो तजारत या हर किस्म की वो सौदेबाजी जिसमें सूद इन्वॉल्व हो वो हराम है यहाँ पे फरमाया लदी नाम अकुलरबा अद आफमआफ़ा कि बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ इससे बाज़ लोगों को यह ख़्याल हुआ कि अगर सूद बढ़ा चढ़ा कर ना खाया जाए तो फिर शायद खाया खाया जाना हलाल है ऐसी कोई बात नहीं है सूद मुतलकन हराम है वह हर रमर जब हुक्म आ गया तो सूद थोड़ा हो सूद ज़्यादा हो वो हराम है और सूद की हरमत के अंदर कतन कोई शुबा नहीं यहाँ पे मुदाफ़ा की जो बात की है ये सूद मरक्ब है असल में सूद दो किस्म का होता है एक सूद मुफरत है जो एक किस्म के आ, कैपिटल के ऊपर लग जाए तो उस वो उसके बाद बढ़ता नहीं है बल्कि वो उसी तरह रहता है मसला कोई परसेंटेज तो तय कर ली जाती है वो परसेंटेज फ्लैट रेट पर उसी तरह रहती है लेकिन बाजात जो परसेंटेज है वो बढ़ती रहती है उसको सूद मरकब कहते हैं यानी मिसाल के तौर पर अगर एक लाख के ऊपर दस हज़ार सूद लग गया तो अब अगला सूद जो है वो एक लाख दस हज़ार के ऊपर लगेगा एक लाख के ऊपर नहीं लगेगा इसी तरह अगर दस हज़ार मजीद सूद लग गया एक लाख बीस हज़ार तो अब सूद मरकब की जो का जो अगला मरहला होगा सूद मरकब का जो अगला मरला होगा उसका मतलब यह है कि वह अब एक लाख बीस हज़ार पे होगा अला हाज़ल क्यास इसको कहते हैं अजाफ़ मुदाफा चूँकि अहल अरब के यहाँ और ख़ासतौर पर यहूदियों के यहाँ ये दोनों किस्म के सूद राइज थे तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे सूद मुफरत की ममानत फरमा दी और उसकी हरत का हुक्म फरमा दिया और यहाँ सूद मुरक्कब की हरमत का हुक्म फरमा दिया इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सूद मुरक्कब जो है वो हराम है और दूसरा हराम नहीं है हर तरह का सूद हराम फिर किरदार की महंगी और हमागीरी की बात की है कि उम्मत, उम्मत मुस्लिमा को एक हमागीर और बहुत आला किरदार अपनाना होगा तो फरमाया वसारिलाफ़रतम जन्नतिनमत के लोगों को मुसलमानों को जन्नत का जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है और जन्नत का रास्ता दिखाया जा रहा है कि मुसलमान उसके लिए आगे बढ़ें और उसके लिए क्या करेंगेफिकून फिसय वद्द्रॉयदिबिन वाला के बताया जा रहा है इनफरादी और इजमाही सतह पर और हर एतबार से मुसलमान जब तक किरदार की हमगी और हमगी को अपनाएंगे नहीं वो अल्लाह की जन्नत वो नहीं पा सकते और अगर कोई शख्स ग़लती कर बैठता है इदा वल्लिनदा फ़ाल फ़्वाहिशतफसों कोई शख्स कोई गलत काम कर बैठता है कोई ऐसी बेहयाई उससे सरजद हो जाती है या कोई गुनाह का काम कर बैठता है तो ज़क्र फस्तगफरु फ़रोदनुबहम फिर वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और जो शख़्स अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे ममई अब फिरबाला फरमाया अल्लाह के अलावा कौन गुनाह माफ़ कर सकता है वलम अला मा युसराम और मोमिनों मौ, का किरदार ये होता है कि वो अपने किए पर इसरार नहीं करते बल्कि तौबा कर लेते हैं अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं और जो इस तरह का हमागीर किरदार रखते हैं उलाई का जजा हम मगफरा ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ से मगफरत मिलेगी बदले के तौर पर और जन्नतें उसको मिलेगी उसके अलावा फिर आजमाइशों पर सब्र का ज़िक्र है चूँकि जंग वहद के बाद मुसलमान मगमूम थे तो ये कहा जा रहा है वला तहिनु वला तहजनु कोई ज़रूरत नहीं है ढीला पड़ने की और कोई ज़रूरत नहीं है गमगीन होने की किसी तरह का हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि अपने आप को बुलंद रखो अपना मुराल बुलंद रखो क्यों व अन तुमलाअल कन तुम ममिन चूंकि तुम मोमिन हो और अगर मोमिन रहोगे तो बुलंदियाँ और उरूज वो तुम्हारे हैं ये अल्लाह करीम का वादा है और ये आजमाइशों पर सब्र की जज़ा है उसके बाद आयत नंबर एक सौ चवालीस के अंदर उस सूरत हाल पर तबसरा क़ुरान ने किया है गजबा यद में जब नबी करीम सलील व की शहादत की अफवाह फैल गई थी गजबा उहद के दौरान नबी करीम सली वम की शहादत की अफवाह फैल गई उसके मुसलमानों के ऊपर मुख्तफ तरह के असरा हुए बाज लोगों ने तो जंग छोड़ दी कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो अब हमने जंग करके क्या करना है बाज़ लोग जो थे वो ज़्यादा बेजिगरी से लड़ना शुरू हो गए किसी ने किसी तरह के रद्दमल का इजहार किया किसी ने किसी तरह के तो इस पर तबसरा कुरान ने किया है कि वमा इल्ला रसूल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा और कुछ नहीं है वो तो अल्लाह के रसूल हैं कद ख़लत मिन कबिल रसूल इससे पहले भी रसूल जो है इस दुनिया से जाते रहे अफ इम माता उतिल तुम अला आकाबिकुम क्या फिर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो जाएं या फिर कत्ल कर दिए जाएं शहीद कर दिए जाएं तो क्या फिर तुम अपनी एडियो के बल पीछे फिर जाओगे इस्लाम को छोड़ दोगे तो फरमाया कि ऐसा नहीं वमैन कलिब अलाबरल सैया अगर कोई शख्स इस्लाम से फिर जाना चाहता है और वापस चला जाना चाहता है तो वो अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा तो गोया उस खबर पर ये तबसर फरमाया है कि अगर इस तरह की खबर मिल भी जाए तो मुसलमानों को उस उन्हीं तालीमत को मलहूज़ रखना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत हैं ना कि किसी हाल की वजह से दिल गिरफ्तगी के आलम में काफ़रों को किसी आ, फलने फूलने का मौका देना चाहिए फिर ये आगे फरमाया कि आयत नंबर एक सौ उनचास में और इससे पहले आयत नंबर सौ में भी फरमाया था कि काफ़रों की इताद जो है वो घाटे का सौदा है काफरों की तरफ़ जाओगे तो यरदूक अला आकाबिकुम ये तुम्हें वापस ले जाएंगे फ़तन कलबु खास नगर तुम्हें ये वापस कुफर में ले जाएंगे तो तुम फिर घाटा पाने वालों में बन जाओगे गोया काफरों को इस तरह से दोस्त ना बनाओ कि वो तुम्हारी पॉलिसियों के अंदर तुम्हारी हिमत अमली के अंदर और तुम्हारी दुनिया और आखरत के मामलत के अंदर जो है दखील होते फिरें इस तरह से उनके साथ न फिरो और फिर आगे वही आयत नंबर एक है और आय सौ है जिसके अंदर ग़बाए हहद के ऊपर तबसरा करते हुए ये फरमाया है कि अल्लाह के वादे सारे पूरे थे लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जो हुक्म दिया था अगर तुम उसकी उसकी पासदारी करते तो ये हजीमत तुम्हें कभी ना देखना पड़ती नाजरीन के नाम आगे नबी करीम सलील वसम को नरमी करने का हुक्म दिया गया है और आपकी नरमी को एक उस नुमायाँ व़्फ़ के तौर पर पेश किया गया है कि नबी करीम के साथ जितने लोग हैं वो गोया आपकी नर्म रुई और नर्म तबीयत और ख़ंदा पेशानी से मिलने की जो आदत है इसकी वजह से वो लोग आपके साथ हैं गोया नबी करीम की ज़ात दस में जो राहमत और नरमी का पहलू है उसको नुमाया किया गया है और फरमाया कि ये जो राहमत है ये जो नरमी है ये भी अल्लाह की रहमत से है फ़बीमा रहा तहमुम जो आप लोगों के लिए नर्म है इस ये अल्लाह की रामत है वलोकुन तफ़न गलीदल कल भी और अगर आप सख्ती करेंगे दुरुस्ती से पेश आएँगे लोगों के साथ दुरुस्त रवैया रखेंगे और जो है वो माथे पर तेवड़ी चढ़ा के लोगों के साथ पेश आएँगे तो जाहिर है ये लोग तुम्हारे पास से इर्द गिर्द हो इधर उधर जो है वो चले जाएँगे रफू चक्कर हो जाएंगे तुम्हारे गर्द इर्द गिर्द से हट जाएंगे लंद फगदू में नहालिक चले जाएँगे तो इसका मतलब यह है नबी पाक अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का ये जो नुमाया पहलू बताया जा रहा है वे ये गोया बिलवास्ता अहले इस्लाम को तालीम दी जा रही है कि जो भी क़्यादत हो मुसलमानों की क़़्यादत उसको ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जो लोगों के साथ इंतहाई प्यार और मोहब्बत का नरमी का झुकाव का रवैया हो कोई शख्स ये ना समझे कि यह शख़्स ये, शخص, ये हमारा कायद है ये दुरुस्ती से पेश आता है उसके साथ बात करना मुश्किल है ये रवैया सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है और उम्मत मुसलमा के लिए किसी तौर भी फ़ायदा मंद भी नहीं उसके बाद वो शर्त बताई गई है कि मुसलमानों को अगर कामयाबी हासिल होगी चाहे वो गजबा हहद हो या गजबा बदर हो मुसलमानों का ख़्याल ये था कि गज़बा बदर में मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई है लिहाजा हर जंग में ही मुसलमानों को कामयाबी होनी चाहिए तो पीछे फ़रमाया था कि वही दुबिनय शाह जिसको चाहता है और जब चाहता है मदद फ़रमाता है और अपनी तायद गैबी से उनको फ़तह दे देता है जिसको चाहता है अल्लाह ताली मदद करता है तो अल्लाह ताली ने कुछ असूल वज़ा कर रखे हैं जिन ओलों की वजह से अल्लाह मदद करता है अल्लाह की मशीत अल्लाह ताली की चाहत वो उन उनों के तहत मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद होती है अल्लाह त अपनी मशीत के तहत ऐसे उसूल वज़ा कर रखे हैं जिन उसूलों की बुनियाद पर मुसलमानों को अल्लाह की मदद हासिल होती है तो यहाँ फरमाया कि सुरकुमल फ़ला गालिबलकुम देखो अल्लाह की मदद तो हासिल होती है अगर तुम किरदार पेश करोगे और जब अल्लाह की मदद हासिल हो तो फिर पूरी दुनिया में तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता एंसुर गिबलकुम अगर तुम तुम्हा, तुम्हारी मदद अल्लाह ताली फरमा रहा हो अल्लाह की मदद किस बुनियाद पर हासिल होनी है अल्लाह की मदद हासिल होनी है किरदार पेश करने पर और अगर किरदार पेश किया अल्लाह की मदद आ गई अल्लाह की मदद आ गई तो फरमाया फला गालिबलकुम दुनिया में फतह फ़तो नुसरत और कामयाबी की शर्त सुन लीजिए कि अल्लाह की मदद हासिल हो तो तुम्हारे ऊपर पूरी दुनिया में कोई गालिब नहीं आ सकता अंदाज़ा फ़रमाइए मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों को कितना बड़ा वादा किया जा रहा है और कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई जा रही है कि ई अम अल्लाह फला गालिबलकुम अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो पूरी दुनिया में तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता लेकिन हकीकत हाँ हाल तो इससे मुख्तलिफ है नाजरीन के नाम मुसलमान तो मगलूब नज़र आते हैं अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला मदद फरमाए तुम कभी मगलूब नहीं हो सकते तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता लेकिन मुसलमान मगलूब नज़र आते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ नहीं है तो मुसलमानों की साथ मदद अल्लाह की कैसे आएगी वो फरमाया था तुम कुमिन अगर तुम मोमिन हो तो और फ़तः तुम्हारी है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही तो ईमान में फ़र्क है फ़तेह नहीं हो रही तो अल्लाह की मदद नहीं आ रही मुसलमान अगर मगलूब हैं तो इसका साफ मतलब है कि अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं रही और अल्लाह की मदद क्यों शामिल हाल नहीं रही हमारे वो ईमान नहीं रहे हमारा वो इस्लाम नहीं रहा हम उस तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पाबंदी नहीं कर रहे और उस वो तैयारी हमारी नहीं है वो इतात अमीर हमारे अंदर नहीं है वो व इत्तेफाक हमारे अंदर नहीं है अगर उस तरह के ईमान और इस्लाम का इजहार करेंगे तो अल्लाह का तो वादा है अन तुम्ला इनकन तुम्न अगर तुम मोमिन हो गए तो फिर मदद तुम्हारी है उरूज तुम्हारा है बुलंदियाँ तुम्हारे लिए हैं और अल्लाह की मदद अगर नहीं आती तो फिर क्या होता फरमाया अल्लाह की मदद आए तो कामयाबी तुम्हारी है गालिब तुम्हारे ऊपर कोई नहीं आ सकता वहीं यजुल कौम अगर अल्लाह ही तुम्हें छोड़ जाए मिन बादी तो अल्लाह तो के बाद फिर पूरी दुनिया में अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ जाए मुसलमानों को अल्लाह ही छोड़ जाए एक एक अल्लाह ही तो था एक अल्लाह ही की मदद से तो जीतना था तो अल्लाह की मदद साथ छोड़ जाए तो फमाय फमजलकोबा बादी तो फिर पूरी दुनिया में कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता किसी की मदद तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकती पूरी दुनिया मिल जाए मुसलमानों का फ़ायदा करना चाहे अल्लाह की मदद साथ शामिल ना हो कख फायदा नहीं कर सकती दुनिया और अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो पूरी दुनिया का मुकाबला भी किया जा सकता है इसलिए कि कामयाबी की शर्त अल्लाह की मदद है और अल्लाह की मदद की शर्त मुसलमानों का ईमान और फरमाए वाल फलियत वक्लमिन अगर ईमान हो तो फिर मोमिनों का भरोसा इस बात पर नहीं होता कि हमारी फ़लाँ मुल्क हमारी मदद कर देगा फ़लाँ सुपर पावर हमारी मदद कर देगी फिर इस पर इस बात पर मुसलमानों का भरोसा नहीं होता फिर मुसलमानों का भरोसा होता है व अल्ला फली तो मोमिनों का भरोसा तो सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए फिर उसके बाद इस बात का ज़िक्र है कि नबी करीम सल्हल अगर अहल ईमान को मैसर आए हैं तो तलीम तजकिया के लिए अल्लाह अल्लाह की किताब का देने के लिए और अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुँचाने के लिए नबी करीम सल्ला व्लम की जो बेसत है ये बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ा एहसान है फरमाया लक़द कि मोमिनों के ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान फ़रमाया इदबा सफ़ीम रसूल बिनफ़सैम यतलोअम आयाति व्यविम्कताब और कि जो नबी करीम सल्सम तशरीफ़ लाए हैं इनको अल्लाह की आयात पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं तज़किया फ़रमाते हैं और इनके इनको तालीम देते हैं किताब की और हमत की तो गोया ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि नबी करीम सल व्म तशरीफ़ लाए अगर नबी करीम सल्ह वसम जो कि बेहतरीन नमूना है लक़द कानलकुम फी रसूल उसवत हासाना अगर नबी करीम सल्ला तशरीफ़ ना लाते तो हमारे लिए नमूना कौन होता हमारे लिए नमूना अमल कौन होता आइडियल कौन होता किसके पीछे चल के कैसे पता चलता कि अल्लाह का गुलाम सही मानों में कैसे बना जा सकता है नबी करीम सल्ला तो ने पूरी ज़िंदगी वो बन के दिखाया कि जिस तरह का अल्लाह को अब्द मतलूब है जिस तरह को अल्लाह को अपना बंदा मतलूब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमूना पेश कर दिया जब अम्मा आयशा ने पूछा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर रखे हैं और आपको कोई मसला नहीं है तो आप रातों को इतनी देर देर तक इबादत करते रहते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हैं आपके पाँव में वर्म आ जाता है इतनी रात तक आप खड़े रहते हैं क़्याम में अल्लाह की इबादत करते हैं ये क्यों करते हैं जबकि अल्लाह ताला ने आपको अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर कर रखे हैं और अल्लाह ताला ने आपको दर्जा था फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अफला अकून आबदन शकूरा के आयशा अगर मैं ये ना करूँ तो लोगों को कौन बताएगा कि अल्लाह का शिक्र गुजार बंदा कैसा होता है अफला अकून आबदन शकूरा क्या मैं अल्लाह का शिक्र गुजार बंदा ना बनूँ गोया लोगों को दिखाना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में चूंकि नमूना था और आबदीत का सही नमूना आबदीत की अली तरीन मिसाल कि अल्लाह की आबदियत की बेहतरीन मिसाल ये है कि नबी करीम सलील्ल को देख लिया जाए उन्होंने अल्लाह की इबादत का हक़ अदा किया है और कोई शख्स अगर अल्लाह की इबादत का हक़ अदा करना चाहता है तो उसको नबी करीम सलील्ला वसम के नमूना अमल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी गुजारनी होगी उसके बाद गजबा अहद के हवाले से ही मुनाफीन के तर्ज़ अमल का तस्करा है कि मुनाफिकीन कहते थे कि ये जो लोग मुसल सत्तर मुसलमान शहीद हुए थे और मुनाफिकीन चूँकि मैंने शुरू में अर्ज़ कल के प्रोग्राम में अर्ज किया था कि मुनाफिकीन जो हैं वो आ, तीन सौ की तादाद में थे अब्दुल्ला बिन उबई के साथ और मुसलमान इनके समेत एक हज़ार की तादाद में थे और जब ये मदीने से निकल कर उद के मैदान में जाने लगे तीन मील दूर तो उस वक्त इन्होंने इनकार कर दिया जाने से उन्होंने कहा कि हमारे हमारा चूँकि मशवरा नहीं माना गया कि मदीने में रह कर लड़ा जाए इसलिए हम साथ नहीं जाएंगे, हम जंग नहीं करेंगे लिहाजा ये तीन सौ रह गए थे मुसलमान सात सौ गए और लड़े उसमें से सत्तर साहबा के शहीद हो गए तो उहद को देख कर जंग के बाद मुनाफीन ने यह कहा था कि अगर ये हमारी बात मान लेते और हमारी तरह घरों में बैठे रहते तो ये भी कत्ल होने से बच जाते तो कुरने पाक ने उस पर तबसरा फरमाया है किल्लिन तो अकाल लो अता ना मा कोतलू अगर ये हमारी बात मान लाते ये भी कतल ना होते तो कुरान कहता है उसका जवाब अल्लाह करीम देते हैं कुल फदिकमत इनकन तुम सदी कि तुम्हारे ख्याल में सबसे बड़ी नाकामी यही है कि कोई शख्स फौत हो जाए या कत्ल कर दिया जाए उसको मौत आ जाए तो फरमाया मौत तो हरेक को आनी है तुम अगर सच्चे हो अपने इस दावे में कि तुम बड़े कामयाब ठहरे हो कि तुम यहाँ बैठे हो तो फिर अपने आप से मौत को हटा के दिखाओ ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर मौत ना आए तो मौत तो आई जानी है चाहे कोई घर बैठा रहे चाहे कोई जाके उहद में शहीद हो जाए तो जो जहाँ भी है मौत तो हर एक को आ जानी हुआ क्या है कि जो उहद में शहीद हुए हैं उनकी मौत और घर बैठे शख्स की मौत का ज़मीन आसमान का फ़र्क है फरमाया वाल तबीन को फी सबीलिल्लाह अमवाता जो अल्लाह के रस्ते में जाके जंग करते हुए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा ना समझो मौत तो उनको भी आई है लेकिन बल आहियाूल उन वो तो अल्लाह के पास जिंदा हैं और उनको अल्लाह के यहाँ रिस्क दिया जा रहा है गोया ये बताना मकसूद है कि शहीद जो है वो तो हयात जाविदा हासिल कर लेता है और आम शख्स जो मौत तो हर एक को आनी है और जिसको शहादत मिल गई इससे बेहतर मौत कोई नहीं है और फिर फ़रमाया फ़रहन अभी आता हूँ माताऊ बिन फजल ही अल्लाह के पास वो सिर्फ़ रिस्क नहीं दिए जा रहे बल्कि ख़ुशी खुशी, खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़े ख़ुश हैं कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाया है और इस बात पर भी कि वह वयस्तब शेबिलदीन यहाकू बहिम और वह अपनी ज़ुबान हाल से उन लोगों को उम्मीद दिलाते हैं और तबशीर करते हैं उनको बिशारतें देते हैं जो अभी वहाँ नहीं पहुँचे कि लोग जो शहादत के रस्ते पर चल रहे हैं वो भी जब वो पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला से वही इनाम और इकराम हासिल कर लेंगे उसके बाद गजबा हमर असद का ज़िक्र है आयत नंबर एक सौ तिहत्तर के अंदर कि असल में जब गज़बा उहद के बाद नबी करीम सलील वम और दीगर साहबा कराम मदीने में वापस पहुँचे तो कुफ़ार मक् अगरचे मैदान छोड़ के पहले गए थे मुसलमान वहीं पर मौजूद थे अगरचे मुसलमानों का नुकसान ज़्यादा हुआ लेकिन मैदान छोड़ के पहले कुफ़ार मक् गए थे लिहाजा इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त नहीं कहा जा सकता मुसलमानों का जानी नुकसान तो ज़्यादा हुआ लेकिन ना तो कोई उन्होंने इलाक़ा फ़तह किया और ना ही वो मुसलमानों के ऊपर चढ़े ना ही मैदान जंग छोड़ मुसलमान भागे बल्कि मैदान जंग छोड़ कुफार ही भागे अगरचे नुकसान मुसलमानों का ज़्यादा हुआ तो इस पर वो कुफ़ार आपस में मशवरा करते थे कि क्या हुआ जंग हमने जीती है कि हारी है भागने वाले भी वो नुकसान मुसलमानों का ज़्यादा करके भाग गए मैदान छोड़ के वो गए लिहाजा उन्होंने सोचा कि एक फैसला कौन जंग की जानी चाहिए और दोबारा वो इकट्ठे होने लगे और आपस में उन्होंने मशवर किया कि हम वापस फिर जाते हैं और मुसलमानों को गोया एक शिकस्त फाश देनी चाहिए इस गरज से वो इकट्ठे हुए जिसको गजबाए हमरा उल असद कहा जाता है और ये आ, उस मौके पर उनका जो इजतमा था उसकी इतला नबी करीम सलीलम को हुई तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों को एक एक तरह की हजीमत का सामना करना पड़ा था वजबा वहद में और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से उनके इजतम की खबर आई तो चाहिए तो ये था कि इससे मुसलमान मजीद कम हिम्मत हो जाते मज़ीद मजीद मुसलमानों की हिम्मत टूटती लेकिन ऐसा नहीं हुआ फरमाया फाद ई मान अल्लाह के बंदों को जब यह ख़बर पहुंची कि वह कुफ़ार जमा हो रहे हैं इस बात ने उनके ईमान को और ज़्यादा ताज़ा कर दिया और ये ईमान और ज़्यादा ताज़ा हुआ तो उन्होंने क्या कहा बकाल हसबन वकील उन्होंने कहा हमारा तो अल्ला ही है और अल्लाह ही हमें काफ़ी है और वही हमारा बेहतरीन कारसाज़ है इस पर गोया मुसलमानों ने अल्लाह पर तो्क्ल का इजहार किया नबी करीम सल वसम उनकी तरफ़ पेश करके गए कि वो लोग वहाँ पर मौजूद थे जब उनको पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो वो लोग जगह छोड़कर वापस चले गए कहते हैं कि ये जो दुआ है ना अल्लाह व न वकील ये बड़ी ही जलील कदर दुआ है ये बड़ी ही अज़ीम दुआ है और इस दुआ को यूँ समझिए कि जब कोई भी मुसीबत का वक्त आए कोई भी ऐसा मौका आए जहाँ पर इंसान को बुलंद हिम्मती दरकार हो हौसला दरकार हो तो उस मौके पर अल्लाह व वकील पढ़ना चाहिए कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम सलाम को जब आतिश नमरूद में फेंका जा रहा था तो हज़रत इब्राहीम ने भी यही दुआ पढ़ी थी अल्लाह हसकन वकील तो ज़ाहिर है कितना बड़ा हौलनाक मंजर था तो अल्लाह करीम ने इस दुआ की बरकत से हजरत इब्राहीम पर उस आग को ठंडा कर दिया और गुल गुलजार बना दिया फिर मुसलमानों को यह भी खुशखबरी दी जा रही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं वला यह हजुल कल्लिन फिल कुफ्र लोगों की जो दौड़ धूप है और आलम कुफ्र की जो सरगर्मियाँ हैं ये तुम्हें किसी परेशानी में मुबला न करें उनकी सारी साजिशें इन बेकार हो जाएंगी और फिर उसके बाद यहूद की बखीली का तस्करा है और उनकी सज़ा का ज़िक्र है फिर यहूद की कट हुजती और उनकी हरजा सराई जब यह कहा जाता था कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो अल्लाह को कर्ज दो मन मंजिलाल्ला कर्जन हसना इस तरह की बातें जो मुसलमानों को इनफाक फीस भी की तरगीब दिलाई जाती थी तो यहूद हूद कट हजती किया करते थे क़़लून फ़कीर अल्लाह फ़क़ीर हो गया है, व हमसे पैसे मांगता है नवज़िल्बालिक तो फरमाया कि ये सारी की सारी उनकी अपनी ही कट हजतियाँ हैं और फरमाया कि हम सारी बातें लिख के रख रहे हैं वनक उमा तो क़ालू और हमने लिख रखा है ये जो कुछ इनका किरदार है इन्होंने जो जम्बिया को कत्ल किया था इनके इन्होंने जो कुछ इससे पहले किया था इनका सारा किरदार ज़ालदम तयदीक फरमाया तुम्हारे जो जितने मामला हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता और तुम्हारे किरदार की वजह से तुम्हें एक बहुत बड़ा जो है अजाब तुम्हारा उसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा और कहा जाएगा व नकुल जू को अजाब अ कि ये तुम जलने वाला अजाब चखो और इसके बाद ये भी एक सवाल किया गया है कि अगर तुम वाकई ईमानदार हो और इससे पहले तुमने ईमानदारी का इजहार किया है तो फलिमा कतल तुमो हम तुम, तुम अम्बिया को कतल क्यों करते रहे यानी ये इस्तार है और इसमें भी उनके किरदार को वे किया गया है और हकीकत ये बताई गई है कि जो असल कामयाबी है वो ये है कि फमनजुख जहा अन नार व खिलजन्ना मौत तो है, हर एक को आनीकुनफिन ज़ाय कतुल मौत हर शख्स को मौत का याकाक़ा चखना है और कामयाबी और नाकामी का मैार दुनिया में नहीं है दुनिया में कोई शख्स अगर पैसे ज़्यादा कमा लेता है औलाद उसके पास ज़्यादा आ जाती है दुनिया उसके पास ज़्यादा आ जाती है ये कामयाबी का मीर नहीं है किसी के पास कोई चीज़ भी नहीं होती ये नाकामी का मीर नहीं है कामयाबी और नाकामी का असल मीर ये है कि फमन जुख जहा नार व विलजन्ना जो शख्स आग से बचा दिया गया वउद जन्ना और जन्नत में दाखिल कर दिया गया फ़कत फाज़ यह है हकीकत में जो कामयाब हुआ वमल मताउल गुरूर दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान इसके बाद नाजरीन के नाम सर आले इमरान की आखिरी ग्यारह आयात हैं इनकी बड़ी अहमियत है और ये ग्यारह आयात अक्सर अवत नबी करीम सल्ला वम तहज्जुद के वक्त जब उठते थे तो ये ग्यारह आयात जो हैं वो तिलावत फ़रमाया करते थे अबू रज़ी अल्लाह का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहजद के वक्त उठते थे तो ये ग्यारह आयात तिलावत फ़रमाते थे इसके अंदर ग़ौर फिक्र की दावत है आफाक आफाकानफुज़ के अंदर कायनात के अंदर इन्नफी ख़त इस्समती वद वखिलाफ़ आयातलबाब के अहिल अक़ल के लिए निशानियाँ और अहिल अक़ल कौन है जो अल्लाह ताली को सुबह शाम उठते बैठते अपने पहलुओं पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं और फिर फरमाया फुमा रब रब्बना खलकता हादा बा सुबहान फ़कीन आदाबनार और वह हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह आफाक अनफुस पर ग़ौर करने से हमें ये बात समझ आ गई कि ये कारखाना कुदरत तूने बातिल